बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का टॉपिक, आज का मुद्दा, सजा बरकरार, चुनाव में आर पार। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका आज लगा है। मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको बता दें, कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था, और इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिसको लेकर राहुल को निचली अदालत ने 2 साल की सजा भी सुनाई थी, जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने भी दोष मुक्त मानते हुए बरकरार रखा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया, सभी के अधिकारों की रक्षा कानून करता है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा बरकरार। मानहानि केस में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे राहुल? राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का जयपुर में जोरदार प्रदर्शन। तो ऐसे में कोई कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लड़ना और आगे बढ़कर देश की जनता की आवाज को मजबूत करना आता है। कांग्रेस ने कहा, व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, ये अभिव्यक्ति की बात है। पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। सीएम गहलोत बोले, राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा, राहुल ने लोगों की भावनाओं को आहत किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया। सजा बरकरार, चुनाव में आर पार। तो साफ तौर पर सजा बरकरार रखी गई है, और अब क्या चुनाव में यह मुद्दा छाएगा, उठाया जाएगा, और किस रूप में दोनों ही मुख्य दल, चाहे बीजेपी की बात और कांग्रेस की बात करें, वो किस रूप में इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगी। फिलहाल चर्चा के लिए आइए सीधा मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ किशोर शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, किशोर जी आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, लोअर कोर्ट निचली अदालत ने दोषी पाया, 2 साल की सजा दी, सेशन कोर्ट गए, दोषी पाए गए सजा को खारिज करने के लिए, वहां पर भी दोषी पाया गया, अब आप हाईकोर्ट आए, वहां पर भी दोषी पाया गया, तो आज जो सड़कों पर उतर का प्रदर्शन हुआ था, ये फैसले के खिलाफ था क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारा मूल अधिकार है। और अब जो आज जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं न्यायपालिका का, और इस सम्मान के बाद हम अपर कोर्ट में जाएंगे, वहां लड़ाई लड़ेंगे। आपका सवाल यह है कि जो आज लड़ाई जो थी सड़कों पर, जो लड़ाई लड़ी गई, इस ताकत इसका बात का परिचायक है कि सीधे तौर पे राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से खड़े हैं। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं और लोकतंत्र में पूरा भरोसा रखते हैं, और हम इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं और देश के लोग भी खड़े हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी ये बताइए कि जब लोअर कोर्ट, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद आगे हाई कोर्ट में, आप तीनों जगह अदालत में गए हैं और वहां पर तीनों जगह दोषी पाया गया है, तो ये राजनीतिक तौर पर क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश हो रही है? राजनीति अपनी तरफ है, कानून का फैसला, अदालत का फैसला अपनी तरफ है। देखिए, फिर मैं आपको एक बात दोहरा दूं कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, चूंकि प्रोसेस प्रक्रिया है कि सेशन से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये चलता है, दूसरी ये सारी प्रोसेस में चलता है। लेकिन रविंद्र, एक बात इस पर ही गौर कर लेना चाहिए कि राहुल जी ने कहा मोदी सरनेम के लिए जो कमेंट किया, उस पर मोदी तो इस देश में बहुत भी हैं, सिर्फ इकलौते जिन्होंने दायर किया है भाजपा विधायक वही नहीं है, बहुत सारे मोदी हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हुए हैं और जो भ्रष्टाचार में हैं। और एक बात और कि ऐसा कोई मामला होता है तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक ही क्यों सामने आते हैं? मोदी सरनेम क्या उन्हीं के अलावा किसी और का नहीं है क्या?
एक गौर कराना चाहूंगा आपको इस बात को कि न्यायपालिका में ये जो फैसला है न्यायपालिका में दखल है तो अलोकतांत्रिक है। ये जो तर्क आप दे रहे हैं ये तो वकीलों ने भी रखा होगा ना राहुल गांधी के फेवर में। मैं आपकी बात पूरी कर दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हो, उनको भी लगाओ क्या लोकतांत्रिक है उनके कामों में दखल हो रहा है, तब उनको सड़कों पर आना पड़ा। ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक बात और बताना चाहूंगा उदाहरण तौर पे, जस्टिस लोया की जो मृत्यु थी संध्यास्पद, उनके परिजन मांग करते रहे जांच की, आखिर एक दिन का बयान आता है उनका कि हम इसमें कोई जांच नहीं चाहते। न्यायपालिका में इस तरह के दखलंदाजी है तो लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती नहीं कही जा सकती। आशीष चतुर्वेदी जी, ये न्यायपालिका में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्या दखलंदाजी हो रही है न्यायपालिका में? देखिए रविंद्र जी, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो बार बार कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं। आप देखिए, एक फैसला आता है लोअर कोर्ट का, सेशन कोर्ट उसको बरकरार रखता है, इनकी याचिका खारिज करता है, और वही स्थिति हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी होती है। उसके उपरांत भी कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन करती है। और रविंद्र जी, हमको समझना पड़ेगा जो कबीरदास जी बोलते हैं ना कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। मतलब ये कहा जाता है कि हम अपने मुंह से जो शब्द निकालते हैं उसको हम वापस ले नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरह की बेलगाम बयानबाजी करते हैं, आप देखिए मानहानि के केस में वो आत्तन अपराधी हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने भी आज कहा है कि 10 से अधिक केसेस उन पर पेंडिंग है। और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने पहले भी बयानबाजी की है। आपको ध्यान होगा जब सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने बोला था कि चौकीदार चोर है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और उनको बोला कि आप हमारी जो टिप्पणी है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करें, तब राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगी। यहां पर भी राहुल गांधी जी के पास माफ़ी मांगने का विकल्प था, आप माफ़ी नहीं मांगते हैं और जो अदालत फैसला देती है उसको नहीं मानते हैं। और मतलब आप कुतर्क देखिए, मतलब किशोर जी का कहना है कि दखलंदाजी हो रही है अदालत में। कौन सी दखलंदाजी हो रही है मुझे बताइए। देखिए न्यायपालिका में कोई दखलंदाजी नहीं है, अभी इनके पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से जो माननीय उच्चतम न्यायालय जो फैसला करेगा सब मानेंगे ना। ये पॉलिटिकल मैटर रहा कहां, ये एक लीगल मैटर है, मुझे बताइए आप, देश की जनता जानती है। और देखिए इस पे जो सजा हुई है वो किस बयान पर हुई है रविंद्र जी, आपने आशीष जी प्लीज, क्या ये फैक्ट है क्या? एक मिनट, नहीं है, लीगल मैटर है। आशीष जी मुझे ये बताएं कि जो राम मंदिर को लेकर फैसला आया ये कहां से आया, राम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे हैं, ये किसकी? देखिए रविंद्र जी, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी फैसला जो आया वो माननीय उच्चतम न्यायालय, तो ये बार बार क्यों कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया? रविंद्र जी सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूँ आपको रविंद्र जी, इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपने बाधाएं खड़ी की कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा कि आप इसका फैसला मत कीजिए, इस पे रोज सुनवाई मत कीजिए, इन्होंने एफिडेविट दिया है बार बार, इनके मंत्री इनके जो नेता है वो तमाम बयानबाजी करते हैं कि क्या प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बाधा उनकी तरफ से अदालतों की कार्यवाही में दी गई, यहां पर अगर हम कांग्रेस के प्रवक्ता को सुने तो उनका कहना है कि यहां पर अदालतों में कहीं ना कहीं ये कहें कि दखलंदाजी की गई, ये चल क्या रहा है? रविंद्र जी देखिए, अदालतों में किसका हस्तक्षेप हो रहा है, किसका हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, ये अगर हम पिछले कुछ दिनों की कार्रवाइयों को देखेंगे तो हमको साफ होगा। किशोर जी ने जैसा अपना अभी वक्तव्य में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो निश्चित तौर पर शायद जो मोदी सरकार जिस तरह के निर्णय लागू करवाना चाहती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को लेकर कॉलेजियम सिस्टम है उसके लेकर के जो उसमें चेंजेस चाह रहे थे, इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो ये एक अलग चीज है। और बाकी किसी रूटीन कार्रवाई में फैसला आना एक अलग चीज है। दोनों पक्षों को इसको पहले अलग अलग देखा रखा जाना चाहिए
किसी को किसी मामले पर अगर अदालत ने निर्णय दिया है वह अलग प्रक्रिया है, और अदालतों के कामकाज को सरकारें कैसे प्रभावित कर रही है तो ये एक अलग राजनीतिक विषय है जो विशुद्ध राजनीतिक है, और इसके लिए अगर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते तो मुझे सही नहीं लगता है। दोनों सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों सरकारों ने जब जब अवसर मिले हैं तब तब उन अवसरों का फायदा उठाया है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज खासतौर पर कहना चाहूंगा कि जिस एक्ट के तहत, जिस कानून के तहत राहुल गांधी जी को यह सजा हुई और उनकी सदस्यता गई, यह कांग्रेस का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को सजा या उनको विक्टिम ठहराना है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए यहाँ एक बड़ा मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और वो अगला चुनाव और उससे अगला 2024 और 2029 चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कांग्रेस अब तक। लेकिन आशुतोष जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि आज जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला हुआ, क्या ये राहुल गांधी के लिए झटका है या फिर ये कांग्रेस के लिए एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल टूल के तौर पर काम करेगा? आप लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे और बार बार कहेंगे कि देखिए ये क्या हुआ है, पूरी तरह से हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और फिर हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए रविंद्र जी, अब यह कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको कैसे यूज करती है। अगर कांग्रेस ने अपॉल, देखिए राजनीति में कोई भी निर्णय होता है, हर कोई निर्णय आपके फेवर में नहीं होता है, जब भी कोई निर्णय होता है तो अब ये उस राजनीतिक दल की सूझबूझ होती है कि वो उस निर्णय को कितना अपने फेवर में भुला पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए दर्शकों, ये बताइए कि राहुल गांधी इस केस में निर्णय आया था, इस केस में आशुतोष केस में राहुल गांधी को अगर दोष मुक्त कर दिया जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, दोष मुक्त अगर करा दिया जाता है, वो सिचुएशन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बेहतर रहेगी या फिर वो दोषी ही रहे, वो पॉलिटिकली उनके लिए सिचुएशन बेहतर रहेगी? देखिए वही मैं जिक्र कर रहा था कि जिस समय मार्च में निर्णय आया था 23 मार्च को, उस समय कांग्रेस ने एक इमोशनल कार्ड लोगों के बीच में खेला, कर्नाटक चुनाव से पहले आया था, उनको फायदा भी मिला, तो इमोशनल कार्ड का उनको फायदा भी मिला। और अगर मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस अगर सही राजनीतिक सूझबूझ के साथ इस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगी तो शायद वो इसका पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कानूनी और अदालतों के निर्णय प्रक्रिया पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे तो शायद कांग्रेस फिर से बैकफुट पर नजर आए। किशोर शर्मा जी, मैं आज जो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शक तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूं क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा गया। राहुल गांधी अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं है बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ केसों में किया जाता है। आवेदक यानी राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसका मतलब यह हो कि आप गलती करने से बाज नहीं आ रहे, निचली कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक ना लगाना राहुल गांधी के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित तर्क और फैक्ट नहीं दिया गया। आपका एक बात कहना चाहता हूं जी, कि SIA 77 में इंदिरा जी के साथ हुआ और उस समय हम न्यायपालिका का सम्मान करते, उस बात को कह रहा हूं कि इंदिरा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, हम वहां न्यायालय से भी जीते और जनता के बीच में भी जाके जीते। और आप निश्चित मानिए कि ये जो देश है, देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, न्यायपालिका को, न्यायपालिका का सम्मान है हमारे सारे चीजों में, इसमें इस फैसले में निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि हमें न्याय मिलेगा और हम जीतेंगे। अच्छा, जनता की अदालत में जीतना आसान तब होगा कि जब न्याय की अदालत में जीत मिलेगी या फिर न्याय की अदालत में अगर हार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मिलती है तो वह ज्यादा मुफीद स्थिति होगी जनता की अदालत में जीतने की। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आशुतोष ने जिक्र किया ना कि ये कर्नाटक चुनाव से पहले ये एक तरह से बात रखी गई और फिर उसका फायदा मिला। चौकीदार और मोदी का जिक्र आता है तो सिर्फ एक ही नाम को क्यों तकलीफ होती है? मैं जानना कहना पूछना चाहता हूं इस बात को कि नीरव मोदी और ललित मोदी, ये दोनों भी तो मोदी हैं, इनकी जातियां भी भिन्न हैं, वहां तकलीफ क्यों नहीं? ये कैरिबियन उसमें छुपे हुए हैं, विदेशों में छुपे हैं, उनको क्यों नहीं लेके आते वापस? आपको एक जिक्र करना चाहता हूं कि ललित मोदी के को जब इमिग्रेशन का मामला था तब तो राजस्थान की एक बड़ी नेता ने लेटर लिखा था और लिखा था उसमें कि ये लेटर मैं इनको पहचानती हूं और मैं इनकी गारंटी लेती हूं, लेकिन इसका खुलासा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये कौन से साल की आप बात बता रहे हैं किशोर जी? ये बात है जब सरकार में थी बीजेपी राज में थी। मतलब फिर भी एक आइडिया, इस बात को समझ लेना चाहिए।
नहीं, मतलब मेरा कहने का ये है, पांच साल से आपकी आप पांच साल आपकी सरकार नाम सुनना चाहते हो, नाम भी बता देता हूँ। नहीं नहीं, नाम मुझे पता है, दर्शक भी समझ गए हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मैं आपको वही 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 मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना भाई, पांच साल से आपकी सरकार है और मैं आपके मुंह से ये इसलिए सुनना चाहता था कि किस तरह की बात है। तो ये यूपीए सरकार थी उस वक्त, तो सिर्फ यूपीए कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त की तकलीफ वहां होती है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम एक बात साफ तौर पर मान लेना चाहिए कि हम लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। राहुल गांधी इस देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनकी पदयात्रा थी तो पूरी पदयात्रा के दौरान काफी संख्या में, लाखों संख्या में लोग मिले, और आप रविंदर सच माने इस बात को कि वो देश की नवस पढ़ ली उन लोगों ने, कि देश का दर्द समझ में आया कि इन इन 2014 के बाद जो इस देश में जो घटा, जो लोगों के साथ तकलीफ हुई, उसका दर्द की पहचान राहुल जी को है। बिल्कुल आशीष जी, यहां पर एक ट्वीट आया प्रियंका गांधी वाड्रा का आज इस फैसले के बाद, पूरा ट्वीट तो नहीं पढ़ूंगा, उसकी मोटी बात मैं बता देता हूं, दर्शक भी सुन लेंगे, आप भी सुन लीजिएगा। श्री राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठें, देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठें, उनसे महंगाई पर सवाल ना पूछा जाए, युवाओं के रोजगार पर कोई बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं के हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान की सवालों को ना उठाया जाए, और जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपनाया जा रहा है। बैकफायर होगा बीजेपी के लिए मामला। देखिए रविंद्र जी, अभी जो आपने ट्वीट पढ़ा उसमें उन्होंने अहंकार का जिक्र किया है। जिस तरह से आप एक समाज को गाली देते हैं और पूरे ओबीसी समाज का आप अपमान करते हैं, करने के उपरांत भी आप अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये अहंकार है, और किसी ने नहीं रोका है आपको। आपको गरीबों के मुद्दे उठाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, आपको पूरी स्वतंत्रता है, भारत में पूरा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लेकिन आप उसका सम्मान नहीं कर रहे, लगातार आप उनका अपमान करते रहे। और अभी मैं किशोर जी को सुन रहा था, वो जिक्र कर रहे थे इमरजेंसी का, तो इमरजेंसी में क्या हुआ सबको पता है, जब 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने जो आदेश दिया, और उसके कारण जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगी, और जब आप जनता के बीच में 77 में गए, तो किशोर जी आपको ध्यान रखना चाहिए था, पूरे नॉर्थ इंडिया में आपकी हार हुई, इंदिरा गांधी जी स्वयं हार गई रायबरेली से, आपको पहली बार आपको सरकार छोड़नी पड़ी, आजादी के बाद से 77 तक आपका राज था। तो जनता सब देखती है, जनता सारे मुद्दों को देख रही है, आपको कोई मुद्दे उठाने से नहीं रोक रहा है, लेकिन हमारा अहंकार बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली कि आप मानते हैं कि आप एक विशेष परिवार से आते हैं, इसलिए देश की न्यायपालिका के आप किसी के फैसले को नहीं मानेंगे, आप अपने आप को सब कानून से संविधान से ऊपर मान रहे हैं। ये सोच बदलनी पड़ेगी रविंद्र जी, जब तक कांग्रेस ये सोच नहीं बदलेगी, आप मान के चलिए चुनाव दर चुनाव ये हारते रहेंगे। क्या क्या कोई व्यक्ति, किशोर जी, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई संस्था संविधान से कानून से ऊपर हो सकती है? क्या क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि कानून से? मैं रविंद्र एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, आपके आपके बात पे आता हूं, कि कर्नाटक और हिमाचल का जो फैसला है, जनादेश है, ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस में लोगों को पूरा भरोसा है। इस साल चुनाव, जो जितने राज्यों में चुनाव होने, वहां वापस रिपीट कांग्रेस होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक बात और हम इस लोकतांत्रिक देश में साफ कर देना चाहते, जो आपका सवाल है, कि हम ना तो संविधान से ऊपर हैं और ना ही किसी कानून से ऊपर हैं। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं और संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ अभिनव जी भी जुड़ चुके हैं, अभिनव शर्मा साहब, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। अभिनव जी, आपका स्वागत है। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए आपसे समझना चाहूंगा कि लोअर कोर्ट में इस मामले में राहुल गांधी को जिस तरह से दोषी पाया गया, सजा का ऐलान हुआ, और आज जब हाईकोर्ट की तरफ से उनकी दोष सिद्धि की याचिका को, पुनर्विचार याचिका को खारिज किया गया, ये पूरे केस ने कैसे सफर तय किया है और अब आगे क्या ऑप्शन है? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी इस बात को रखा जा सकता है? और इस पर अपनी और केस को लेकर बात रखिएगा सर, प्लीज। देखिए रविंद्र जी, अब ये एक जटिल वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें से इनको गुजरना पड़ेगा, और अब उच्चतम न्यायालय के अलावा इनके पास कोई रेस्क्यू, जिसे कहा जाता है, शरणास्थली शेष नहीं बची है। और उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी एक लिमिटेड दायरे के अंदर एसएलपी में कोर्ट इस चीज का चिंतन करेंगे। सजा नीचे से हो चुकी है, उसकी रिवीजन वो की गई थी, सजा के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, और प्रश्न यहाँ पर यह है कि आप एक दूसरे में कोई निजी रूप से किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में आक्षेप या लांछन नहीं लगा रहे हैं।
दोनों ही पक्ष जिसमें वो कहते हैं कि सभी मोदी चोर हैं या इस प्रकार का जो उनका वक्तव्य होता है या एक मोदी वर्ग या ओबीसी वर्ग को आपने पूरा टारगेट किया, उस चीज़ को लेकर के ये प्रश्न उठा कोर्ट के सामने। और कोर्ट में उस व्यक्ति ने जो स्वयं भी एक मोदी हैं और उस कास्ट से या कम्युनिटी से आते हैं, उनका ये कहना है कि मैं भी प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। इस चीज़ की वजह से श्री राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो है वो दंडादेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष में भी एक लिमिटेड दायरा था, रिवीजन के अंदर कोर्ट जो है वो परीक्षण नहीं कर सकता, पुनरावलोकन नहीं कर सकता जो साक्ष्य रिकॉर्ड पर आ चुकी है उसके संबंध में। अब जो एसएलपी का दायरा रहेगा वहां क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो और भी लिमिटेड रहेगा, और ऐसे में अब कोर्ट ये देखेंगे कि क्या ये सजा जो है वो की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए, या इस स्टेज पर सजा को सस्पेंड करके इस बिंदु को या इस विषय को जो विधिक विषय यहाँ उत्पन्न होकर वो सजा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा या दोष मुक्त पाए की बात जो है उसके ऊपर पुनर्विचार होगा। देखिए वो दोनों ही चीजें हैं, जब दोष मुक्ति की वो बात करते हैं कि मुझे दोष मुक्त किया जाना चाहिए तो उसके लिए पूरी एविडेंस जो चीज नीचे आई है रिकॉर्ड पे उसको वहां कोर्ट उस चीज को देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक इंटरिम स्टेज जिसे हम कहते हैं अंतरिम स्थिति जो है जी वो क्या होगी कोर्ट के समक्ष। जब कोर्ट के सामने एसएलपी जाती है, एक विशेष अनुमति याचिका जाती है, चाहे वो सिविल साइड पे जाए चाहे क्रिमिनल साइड पे जाए, तो कोर्ट के समक्ष एक अंतरिम स्थगन आदेश की प्रार्थना भी साथ ही जाती है जिसमें कहा जाता है कि हमारे ऊपर की गई सजा या उसकी क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए और हमारे विधि के विषय को जो हम यहां उठाना चाहते हैं बिंदु को उसे सुन लिया जाए। तो अब यहां प्रश्न केवल इतना सा निहित है कि अधिकतम दंडादेश उनको दिया गया है, दोष सिद्ध माना गया है, उनकी तरफ से अपने आप को इनोसेंट प्लीड किया जा रहा है। अभिनव जी एक चीज बता दिए, ये प्रक्रिया कितना दिन अभी लेगी, जहां तक मैं अपनी बात रखूं तो एक महीने के अंदर आपको देखिए डिपेंड करता है, फिर ये कितना वक्त लग सकता है पूरे प्रोसेस में? 90 दिन का अपील का समय होता है, 90 डेज का टाइम होता है, लेकिन चूंकि यहां पर एक दंडादेश उनका पीछा कर रहा है लगातार, इसलिए उनको एक त्वरित गति से इसमें कार्रवाई करनी होगी। अब ये उनके वकीलों पर निर्भर करता है, उनकी टीम पर निर्भर करता है, चाहे तो वो कल सुबह भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चाहे तो वो सोमवार तक जा सकते हैं, कितना जल्दी उनके वकील करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। अभिनव जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, देखिए ये लगातार कहा गया कि मानहानि के मामले में अधिकतम सजा का 2 साल का प्रावधान है और राहुल गांधी को जो सजा का 2 साल का अधिकतम ऐलान किया गया ये अब से पहले कभी मानहानि के मामले में नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए रविंद्र जी, कई चीजें पहली बार होती हैं लेकिन कानून बहुत पहले से बना हुआ है। ये बात आपकी सही है कि हो सकता है इस प्रकार का एक पहला निर्णय न्यायालय के द्वारा किया गया हो, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष आई हैं और जिन परिस्थितियों में और जिस प्रकार के कद के व्यक्तियों के संबंध में ये बात कही गई है, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्तियों के, आज मैं महात्मा गांधी के संबंध में कोई अनैतिक और अनुचित टिप्पणी करूं तो वो निश्चित तौर पर दंड की भागी होगी। इसी प्रकार राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध भी यदि कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाए तो वो उचित नहीं। आशुतोष जी एक चीज यहां पर सवाल ये उठा हुआ है, सबसे बड़ा विधि का विषय ये उठा हुआ है कि राजनीतिक जीवन में शुचिता के साथ सार्वजनिक बयानबाजी पर क्या इतना बड़ा दंडादेश दिया जाना उचित है अथवा अनुचित है या उसकी सीमा कहां तक होगी, ये प्रश्न विधि का न्यायालय के समक्ष है जिसको उच्चतम न्यायालय में निर्णित किया। आशुतोष जी ये बात सही है कि चलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ये बात भी सही है कि आपको चुनावी रैली करने से, पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने से, पार्टी की मीटिंग में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी के पास भले ही सांसद या जनप्रतिनिधि बनने का जब तक अदालत से राहत नहीं मिलती मौका नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से सक्रिय और फोकस्ड अपनी पार्टी की गतिविधियों को आगे ले जाने में रहेंगे। आशुतोष जी आपसे सवाल है। बिल्कुल देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस के पास और राहुल गांधी जी रविंद्र जी बिल्कुल कांग्रेस के पास और राहुल गांधी के पास ही मैं कांग्रेस के लिए काम करने के किसी तो कोई कानून उनको नहीं रोकता, बशर्ते कि उनको यह सजा के लिए जेल नहीं जाना पड़े। अगर उनको उच्चतम न्यायालय से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा, और अगर उनको जेल जाना पड़ता है तो स्थिति अलग हो सकती है, अदरवाइज उनको किसी काम करने से, कोई पार्टी का काम करने से कोई सरकार नहीं रोक रही है। लेकिन मैं एक चीज आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि ये जिस कानून के तहत इनको ये सजा हुई है, ये कानून यह एक्ट हमने ब्रिटेन के उससे लिया है, संविधान से लिया है, और ब्रिटेन ने भी इस एक्ट को 2009 में अपने यहाँ से समाप्त कर दिया है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात के साथ ही मैं इस डिबेट को समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मेरे कुछ सवाल तो और भी करने थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आशीष जी आपका धन्यवाद करता हूँ, किशोर जी आपका शुक्रिया, अभिनव जी आपका धन्यवाद।
धन्यवाद, और आशुतोष जी आपका भी धन्यवाद। जल्दी से प्राइम डिबेट के आज का जो महत्वपूर्ण सवाल था, राहुल गांधी को सजा बरकरार रहने से क्या कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी? हाँ, 76% लोगों का कहना है ना, 24% लोगों का कहना है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही।